हम लाइव आ चुके हैं। जो भी लोग जुड़े हैं उनको मैं सूचित कर दूं कि आज हम लोगों का श्री अनिरुद्ध सिंह सर, जो अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र हैं और इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी की पोस्ट पर तैनात हैं। सर जो है बॉलीवुड में अभिनेता भी है और पुलिस के एक तेज कर्रार अधिकारी हैं। आज सर जो है साइबर क्राइम पर लाइव व्याख्यान देंगे आप सब लोगों के सामने, तो आप लोगों की जो भी सवाल हो सर से आप लोग निसंकोच जो है पूछ सकते हैं। स्वागत है सर का। पहले तो सभी अपने यूनिवर्सिटी के अग्रजों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। और देखिए जो भी सवाल पूछे उससे पहले मैं बता दूं कि अभी आज के टाइम में और आने वाले समय में अपराध का बहुत ज़्यादा रेशियो जो आईपीसी अन्य से होता था वो आईटी एक्ट पे आने वाला है। हर दूसरा फ़ोन से कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, कुछ अनजाने में कर रहे हैं, कुछ जान के कर रहे हैं। और अभी जो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता था सोशल साइट पे, अभी विशुद्ध ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है। लोगों की टीम है, कोई सिम उपलब्ध करा रहा है, कोई नंबर दो के बैंक के खाते खुलवा रहा है, कोई एटीएम कार्ड उपलब्ध करा रहा है, कोई सारी चीज़ें। तो ये एक वेल ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया है और इससे अभी बचना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, उसके पीछे एक ही रीज़न होता है, तो वो होता है लालच। सामने वाला लालच देता है और ये बताता कोई नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, बताता कोई नहीं है। उसको जा रहे होते उल्लू बनाने, ठगने, खुद ठग जाते हैं। फिर कहेंगे सर मेरा पैसा चला गया अकाउंट से, अकाउंट हैक हो गया, सारी चीज़ें आप स्वयं गलती करते हैं। तो 100 की एक बात कि कोई भी चीज़ आप करने से पहले 10 बार सोच लें, किसी अपने दोस्त से यार मित्र से पूछ लें कि इसको हमको करना है या नहीं करना है। बचाव, पहला बचाव ही पुलिस है, तो आप पहली पुलिस आप स्वयं हैं। कई लोग जुड़ चुके हैं सर, तो पहला सवाल सर मेरी तरफ से कि साइबर क्राइम कैसे है, ये कैसे होता है और इसका बचाव क्या है? देखिए बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं आपको बहुत छोटी सी चीज से एकदम सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, ठीक। किसी को भी पकड़ने के लिए अपराधी को, उस अपराधी का एंड पॉइंट होना चाहिए, हम पकड़ेंगे आखिर किसको, ठीक। अभी एक सिम खरीदा गया तमिलनाडु से, ठीक है, और वो उस आदमी को यूज जो कर रहा है उस सिम को, वो बैठा हुआ है असम में, और जिस आदमी को ठग रहा है वो ठगा जा रहा है या राजस्थान का, दिल्ली का, अदर स्टेट का किसी का, ठीक। अब क्या है, पुलिस क्या है, हर सब्जेक्ट, हर स्टेट का अलग सब्जेक्ट है, कोई सेंट्रलाइज तो है नहीं पुलिस। अब जब FIR रजिस्टर होगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, तो सबसे पहले क्या करेगी, उस नंबर का एड्रेस लेगी जिस नंबर से कॉल आया या जिस नंबर से ठगी हुई है या IP एड्रेस जिसका मिला। तो आप उससे कहाँ पहुँचेंगे, तमिलनाडु, और क्राइम कहाँ हो रहा है, असम से। तब तक वो आदमी गायब हो चुका होगा, सिम बदल चुका होगा, तो और आप किसको पकड़ पाएंगे। लास्ट में आपको वो बंदा मिलेगा जिसके नाम से सिम इशू हुआ, वो बंदा मिलेगा जिस दुकान वाले ने इस सिम को इशू किया होगा। दो बंदे जो यूज़ करने वाला होगा वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये इस क्राइम का भी फिलहाल बचाव उपाय एकमात्र है, टालो, परहेज ही इलाज। जब तक कि सारे फोन 100% वो वेरीफाइड ना हो जाएं कि ये किसका है, जिस दिन फ़ोन वेरीफाई हो जाएंगे, 10वां फिंगरप्रिंट लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा कि मैंने लिया है फ़ोन, सामने वेब कैम से फ़ोटो खींचेगी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, उस दिन कोई डिनाई नहीं कर पाएगा कि ये मैंने सिम खरीदा था और किसको दिया। अभी दुकानदार गलती कर रहे हैं, वो 100-200 के लालच में एक्टिवेटेड सिम दे देते हैं और किसी दूसरे का आधार कार्ड उस पर लगा देते हैं और पकड़े वही जा रहे हैं, दुकानदार या जो सिम बेचने वाला है जिसका आधार कार्ड लगा हुआ उसमें। तो इस चेन की सबसे खराब जो है, हाँ, सबसे ड्रॉबैक इस क्राइम का यही है, वो जिस हम कॉलटेल लेंगे तो उस कॉलटेल में सारे नंबर वो आएंगे जिनको ठगा गया, विक्टिमाइज हैं, विक्टिम्स के मिलेंगे, और जो एस्टॉर्ट कर रहा है वो अपने लोगों के लिए यूज़ ही नहीं करता। तो हमें उसकी क्या मिल सकती है, एकमात्र लोकेशन मिलती है कस्तूर, सिंगल लोकेशन, ओरिजिनल उसकी लोकेशन मिलती है। दूसरी ओरिजिनल चीज़ उसकी मिलती है ATM कार्ड से पैसा निकालते हुए ATM के नंबर से फ़ोटो,
उस आदमी की फोटो मिल जाती है कि इस आदमी ने फला के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए और इस एटीएम से विड्रॉ कर लिए। अब जिसके बैंक का अकाउंट है उसको भी नहीं पता कि मेरा अकाउंट खुला हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें बैंक के एम्प्लॉय भी मिले हुए हैं। आज ये बहुत संगठित क्राइम हो गया है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, पोस्ट ऑफिस वाले इन्वॉल्व हैं। जैसे आपका अभी बैंक अकाउंट खुला नहीं, आपका डाक से जैसे ही आपके घर आएगा आपका एटीएम कार्ड, उसके बाद तुरंत बाद ही कॉल आ जाएगी, लाओ मैं आपका एटीएम एक्टिवेट कर दूं। कैसे, आप समझो? तो बैंक जो लोग के पास आता है वो समझ ही नहीं पाते, वो सोचते एटीएम आ गया, बैंक को पता लग गया। बैंक को नहीं पता लग गया, अरे भैया जो दे गए हैं वही सब मिले हुए हैं। तो जब तक ऑथेंटिकेट नहीं हो जाए आपको बैंक मैसेज देता है किसी को CVV शेयर ना करें, किसी से ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन या वो नहीं करें जब तक आपको कन्फर्म ना हो कि ये सही कर रहे हैं हम या करने जा रहे हैं। और ख़ास तौर से मैं और देख रहा हूँ, आप पूछो तो मैं आगे बताऊँगा फिर, अभी तो मैं एक यही बता देता हूँ कि अब बचाव इसलिए ज़रूरी है कि उस बंदे का एंड पॉइंट नहीं है, उस बंदे की सिर्फ लोकेशन मिलती है या ATM से पैसा निकालते हुए। जिस दिन वो खाते वेरीफाइड हो जाएंगे बैंक के और जिस दिन वो फोन वेरीफाई हो जाएगा कि किसने लिया ओरिजिनल यूज करने वाला, वो पकड़ा जाएगा। और इनके साथ एक चालाकी वो क्या करते हैं, हम आप 4G फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैं आपका लोकेशन निकलवाऊंगा तो एग्जैक्ट आप किस जगह बैठे वो लोकेशन मुझे मिल जाएगा। वो बहुत चालू है 3G फोन यूज कर रहे हैं, 2G फोन यूज कर रहे हैं, 2G में भी इंटरनेट होता है। 3G 2G में आप ये करते हैं, किसी भी क्षेत्र का डिवाइडेशन हर कंपनी वाइज 3 क्षेत्र में है, अल्फा बीटा गामा में उन्होंने कर रखा है, तो उन टावर के आपको वो रेडिएशन मिल जाएगा कि इस क्षेत्र में ये बंदा है। जैसे कस्तूर अगर यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं तो मुझे एक लोकेशन मोटी आ जाएगी कटरा में, तो मैं कटरा में कहाँ खोजूंगा आपको, ठीक है। 4G यूज करेंगे तो एग्जैक्ट वो मिल जाता है, वो भी बहुत चालू है। 3G यूज कर रहे हैं और एक सिम यूज करते ही दूसरे का बंद कर देते हैं। जैसे एक अभी आपको मैं 4-5 दिन पुरानी एक न्यूज़ दिखाता हूँ, देखिए मैं इस चीज़ को देखते रहता हूँ और कलेक्ट करते रहता हूँ ताकि लोगों तक ये संदेश दे सकूँ। अभी फेसबुक को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके न्यूड वीडियो के माध्यम से आपकी स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड करके पैसा जो ठगते थे वो गैंग पकड़ा गया है रामपुर में, इसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, ठीक। असम के 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं कानपुर में, इनके पास से 2000 सिम मिली हैं। 2000 सिम किसने दिलाई, कानपुर वाले ने। ये सारी सिम एक्टिवेट होके असम जा रही हैं, आज के टाइम में मैक्सिमम क्राइम असम और उत्तराखंड और राजस्थान से हो रहा है, और सिम कहाँ से जा रही हैं, इसी तरह जा रही हैं। तो हम किसको पहले खोजेंगे, जहाँ से सिम गई है सिम वाले को खोजेंगे, उसका एड्रेस निकालेंगे, यही गलतियाँ हो रही हैं। तो पहले आप पहली पुलिस आप स्वयं बनो के गलती करने से पहले 20 बार सोचो साइबर के संबंध में। बैंक सर बार बार सूचित करता है कि हम कभी किसी को कॉल नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग बार झांसे में आ जाते हैं जालसाजों के। झांसे में क्यों आ जाते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग कहे हैं ना कि कोई फ्री में जहर भी ना देता, कहते हैं कि नहीं जी सर। तो ये उनको लालच देते हैं और ये फंस जाते हैं, ये उनको ठगने जाते हैं, वो इनको ठग लेते हैं, वो इनसे 2 कदम आगे निकलते हैं और फिर कहेंगे कि नहीं मेरे साथ तो चीटिंग होगी। लेकिन सच यही होता है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत कड़वा है, लोगों को सुनने में बुरा लगेगा लेकिन सच यही है। तो किसी भी लालच में नहीं आए सर। जनरली देखा गया है कि जब भी साइबर क्राइम होता है तो पुलिस जल्दी FIR नहीं लिखती, थाने पे पहुंचते हैं तो चेक करते हैं कि जिस एरिया में मतलब कि अपराध हुआ है वहां जो है आप FIR दर्ज करवाइए, आप जहाँ है वहाँ FIR दर्ज नहीं होगी, पता नहीं लोकेशन कहाँ है अपराधी की, तो FIR दर्ज करवाने में बहुत मुसीबत आती है। मैं आपकी बात समझ गया, उसमें बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसके लिए हम लोगों ने अभी आप देखोगे कि फेसबुक के माध्यम से हमारे राजपाल डवा साहब हैं और विनोद सिरोही साहब, उन्होंने एक ऑल इंडिया फेसबुक टेलीग्राम और उस पर ग्रुप बनाए हुए हैं। तो अब इतनी ज़्यादा मदद मिलने लगी हम लोगों को कि हम उन लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रोवाइड करा देते हैं चीज़ें। उसमें रीज़न ये है कि क्राइम जो डिफाइन है कि जिस जगह घटना स्थल होगा आप वहीं आप लिखाएंगे, तो दूसरे का आप दूसरी जगह लिखाने जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको भी परेशानी होगी, है ना। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने एक सजेशन दिया है कि जो फ़ोन से क्राइम हो रहे हैं, जिस बंदे ने क्राइम किया उसका जहाँ का लोकेशन निकलता है वो रजिस्टर तुरंत वहीं उस जिले में
उस जगह उसका एफआईआर रजिस्टर कर लिया जाए तो भी क्राइम ये बहुत रोके जा सकते हैं अभी फिलहाल, जब तक कि फोन 100% वेरिफिकेशन नहीं हो जाए फोन का। लेकिन सर जो आम आदमी है उसको कैसे पता चलेगा कि उसके साथ एफआईआर करने जो फ्रॉड करने वाला है वो किस जिले का है, ये भी समस्या है। एफआईआर कहाँ करें? आज की तारीख में हर किसी का स्मार्टफोन है, अब वो जमाना चला गया कि वो छोटा वाला आता था कि ललका से कट जाला, हरियरवा से डायल हो जाला, अब वो सब उसमें उंगली करके सब जानते हैं कैसे क्या निकलता है। ट्रू कॉलर सबने डाउनलोड कर रखा है, ठीक। अभी बहुत सारे चलाक हो गए हैं लोग, तो कोई भी फ्रॉड का फोन आता समझदार हो गए, चलाक नहीं कहेंगे समझदार कहेंगे, वो उसमें फ्रॉड या चोर या इस तरीके का साइबर ठग करके उसका नंबर फीड कर लेते हैं, तो जब ज्यादा लोग 10 से ज्यादा लोग फीड कर लेते हैं तो उसमें शो करने लगता है कॉलर आईडी पर उसका। तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई ठगी हुआ आप ट्रू कॉलर में डालिए, उसका तो रहता ही सर्विस प्रोवाइडर किस कंपनी का है किस स्टेट का लिखा ही रहता है उसमें, तो बहुत सामान सब सामान सी बात है अपनी। तो ये सर एक कॉन्सेप्ट और है जीरो एफआईआर का, जिसमें आप कहीं किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और जांच जो है संबंधित थाने को ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब वो बंद हो गया, एफआईआर वाला कॉन्सेप्ट बंद हो गया जी। अब आप जहां जाएंगे वहीं एफआईआर लिखी जाएगी, जीरो वाला कॉन्सेप्ट बंद हो गया वो। तो मतलब कि जहां पे अपराधी है एफआईआर उसी थाने पे लिखी जाएगी जिस लोकेशन से क्राइम हुआ, जहां पे है जहां पे आपके साथ ठगी हुई है वहीं पे लिखा जाएगा। मतलब कि जहां पर विक्टिम भी है वहां भी एफआईआर लिखी जा सकती है। हां हां, जिसके साथ ठगी हुई है वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखा सकता है या साइबर क्राइम में अपना वो दे सकता है एप्लीकेशन। जी सर, कुछ लोगों के सवाल हैं कि मेरे बैंक अकाउंट से 20,000 रुपए निकाल लिए गए, किसी के बैंक अकाउंट से 30,000 रुपए निकाल लिए गए, उनसे जरा पूछो कस्तूब कैसे निकाल लिए गए, जरा बताएं हमें वो। आप लोग कृपया बताइए अनु यादव जी कि कैसे निकाले गए आपके खाते से पैसे सत्यम धर्म सत्या धर्म जी, बगैर आपके बगैर आपके ओटीपी दिए कैसे निकल गए, जरा हमें समझा दे, कोई भी समझा दे जी। कृष्णा जी आप भी बताइए कि कैसे निकाले गए आपके खाते से पैसे। कई बार मैंने देखा कि कुछ ऐसे मैसेज भी व्हाट्सएप पे वायरल होते हैं कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है और आप 5 मिनट के अंदर सूचित कर गए तो ट्रांजेक्शन को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, आपके अकाउंट में पैसे वापस हो जाते हैं, वो सब ओरिजिनल है कि फेक है सर? सब फेक है, उनकी चाल है। जैसे एक एक नई चाल बताऊं आपको, फोन पे से अगर पैसा गलत में चला गया तो उसमें ऑप्शन रहता, मैंने एक दिन एक शेयर किया था कि कैसे कैसे जाए फोन पे में गलत हो गया है तो रिटर्न हो जाएगा। अब रिटर्न के बाद बैंक उसमें 2-3 दिन टाइम लेता है ना आपको प्रोसेस आने में। तो जिनका पैसा जाता है, जैसे किसी का फोन चोरी हो गया तो मैं उससे कहूंगा कि भाई साहब आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जा रही है, उस नंबर पे आप अपने पे अभी कृपया करके कॉल मत करिएगा कि भाई साहब फोन हमारा आपने चुरा लिया है वापस कर दो, लेकिन वो मानते ही नहीं है यार, वो इतने से रिश्तेदारों से इतना उस पर कॉल करवा देंगे वो खुद सिम निकाल के फेंक देता बंद कर देता है, चलने दो उसको, आपका मुझे मिल गया आपका कोई क्राइम भी नहीं जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई कि आपका फोन चोरी हो गया है। अगर सबसे आसान होता कि एक बार वो गलती कर दे या यूज कर ले, कई बार बहुत बार की है गलती हम लोगों ने पकड़े हैं, या चलने दो उसको, आपको लोकेशन मुझे मिलती रहेगी कि लास्ट कहां तक जा रहा है, अगर शाम हो गई वो पहुंच गया जिस जगह तो हम ये मान लेंगे कि इसी जगह इसी एरिया में ये रुकेगा, शाम को तो कोई रुकेगा ना अपने घर इंसान, लेकिन जिसका फोन जाता है वो इतना फोन उस पे डाल देता है, इतना फोन कर देता है कि चोर भी आज ही जाके बंद कर देता है। इसी तरह जो बैंकर जी जो कह रहे हैं कि आते हैं करते हैं, तो भैया वो उनकी ट्रिक्स है, उन्होंने वेबसाइट बना रखी है फर्जी, हेल्पलाइन बना रखे हैं, जब आदमी का पैसा आया कि 4 दिन बैंक ने मैसेज कर दिया कि 4 दिन बाद आपका रिटर्न होगा, तो अब आपको क्या जल्दी पड़ी कि कल ही रिटर्न हो जाए, फिर ये क्या करते हैं गूगल पे जाएंगे, गूगल पे फिर हेल्पलाइन नंबर खोजेंगे, जितनी आज हेल्पलाइन एक नंबर पे शो कर रही है गूगल पे मैक्सिमम उन्हीं की हेल्पलाइन है, फेक वेबसाइट उनकी बनी हुई है, हेल्पलाइन के नंबर थे उन्हीं के नंबर पड़े हुए हैं, नंबर डाले तो जो बचा रहता है ना वो भी चला जा रहा है, मैं कई देख चुका हूँ केस, तो कृपया करके ऐसा ना करें, कहीं सर्च ना करें गूगल पे हेल्प नंबर, बैंक से ज़्यादा कोई चीज़ हो नहीं सकती, आप बैंक में जाएं। अभी मेरे एक जानने वालों का चला गया था इत्तेफाक से, वो अकाउंट डमी था जिसमें गया, ना भी होता तो भी है, बैंक में रिपोर्ट किया दिया, बैंक ने उस कंसर्निंग बैंक को मेल कर दिया, उनका एक पैसा होल्ड हो गया और 2 दिन के प्रोसेस में वो वापस आ गया,
तो कृपया करके एक ऑनलाइन गलती करने के बाद दूसरी फिर ऑनलाइन गलती ना करें। जो उनसे तो पूछ लो जो बता रहे हैं कैसे पैसा गया, एक बार हमें समझा तो दे कैसे पैसा गया। अभी तक उनका जवाब नहीं आया है, इसलिए नहीं आया कि गलती उनसे ही हुई है। हम जी बता रहे हैं कि फोन पे से गया पैसा, फोन पे से गया ना, तो फोन पे से गया है ना, हेलो, फोन पे से गया है उन गलत अकाउंट में, या वो हेल्पलाइन नंबर सर्च करके गया है, कैसे गया है? नेट की प्रॉब्लम थी कसू, अब बताओ भी आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है। हाँ, क्या क्या बता रहे हो? फोन पे से कैसे गया? फोन पे से उनको आप एक सीधा सा बता दीजिए, हमारी प्रोफाइल पे चली जाए वो, ठीक है, जिसपे आगे ब्लू टिक लगा है उसपे मैंने लिखा है कि अगर गलती से किसी अकाउंट में फोन पे से पैसे चले जाएं तो वो कैसे रिटर्न होते हैं। और सबसे नीचे मैंने एक और लाइन लिखी है कि भूल के भी आप गूगल पे हेल्पलाइन नंबर सर्च करके उनको कॉल ना करें, बैंक से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें, बैंक और आपको फोन पे वाले स्वयं कॉन्टेक्ट करेंगे उनकी हेल्पलाइन। उसमें मैंने एक प्रोसेस दिया है, 5-6 पॉइंट है, वो करेंगे उनका रिटर्न हो जाएगा। हमारी प्रोफाइल पे जाए, मैंने फोन पे का दूसरे के अकाउंट में पैसा जाने का एक बहुत कलरफुल सर की प्रोफाइल का लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, और आप जो है उस पे जाकर पूरी जो पोस्ट की गई है उनको पढ़िए आप लोग, उसमें साइबर क्राइम से जुड़ी हुई कई पोस्टें, जिन कई मामले जिनको सर ने सुलझाया है और इनकी टीम ने सुलझाया है वो दिए गए हैं। अभी इस समय इलाहाबाद में भी ऐसा चल रहा है, मेरे कई दोस्तों के साथ हो चुका है कि उनको लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, फिर वो लोग जब बात करते हैं तो न्यूड वीडियो कॉलिंग का जो है, लड़की न्यूड होती है फिर ब्लैकमेल करती है कि आपका जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देंगे। इसमें मैंने इसमें मैंने कसू तुमको बताऊं, मेरे पास इलाहाबाद से ही 2 फोन आए थे, मैंने उनकी समस्या सॉल्व की, फिर एक बंदा इतना रो रहा था फोन पे कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो मैं उसको समझाया, उसको दिमाग को ठंडा किया कि तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप हैं, बच्चे हैं, वो बोल रहा था बीवी को पता चल जाएगा गलत सोचेगी तो मर जाऊंगा। अरे मैंने कहा यार माँ बाप भी हैं, बीवी बच्चे हैं, तो बीवी के लिए ही मर रहा है, बच्चों और माँ बाप को छोड़ देगा। समझाया, शांत हो गया वो, और वो उसके साथ भी ऐसा था। फिर मेरे पास यहाँ 2 केस यहाँ मेरे पास भी आ गए, तो फिर मैंने उस पर एक फेसबुक पे पूरा वो डाला था डिटेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपकी पोस्ट पे उस पर डालने के बाद वो नेशनल चैनल ने उसको कवर किया था, न्यूज 18 इंडिया पे भी वो पूरा, बहुत सारे चैनल पे वो पूरा चला था, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग इतने कस्तूर मेरे पास मैसेजेस आए भरे पड़े, मैं आपको दिखा सकता हूँ, भैया मेरे साथ ये हो गया। उसका तरीका है, लॉकडाउन में वो लोग खाली थे, ठीक है, उन्होंने होता क्या था पहले, जैसे हमारा आपका एक फोटो ले लिया, 3-4 फोटो और डमी प्रोफाइल बना ली हमने, बस कस्तू से कहा कस्तू हमें 2,000 रुपए की जरूरत है दे दो, फर्जी से तो लोग दे देते थे, आते थे छोटे से अमाउंट में, फिर वो लोग जान गए, पकड़ गए, तो वो सिस्टम हो गया बंद। फिर उन्होंने ये नया सिस्टम निकाला डर वाला, और डर के जो डर से बच गया उसके आगे जीत है, जो डर गया वो छोटा मोटा अमाउंट दे दिया समाज के डर से, उसमें करते क्या है वो, एक और वो चालाकी बरतते हैं, उनके 5-6 नंबर उनके अपने रहते हैं, ठीक। अब मैक्सिमम लोगों ने फेसबुक पे फोन नंबर अपने पब्लिक कर रखे हैं, तो वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और वही एक फेसबुक मैसेंजर ग्रुप भी बना लेते हैं, तो वो पहले आपको कॉल करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप से,
तो जब व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे और उसमें आपको सामने वाला न्यूड आ गया, समझदार है, तब तो आपने ऑफ कर दिया। नहीं है, वो बार बार करता रहेगा और ये घबरा के उसको ब्लॉक करेंगे, तो ग्रुप तो ब्लॉक नहीं हो सकता ना। फिर आप वो वन बाई वन कॉन्टेक्ट सेव करो और उनको ब्लॉक करते जाओ। ठीक है, लोग कहते हैं हमसे वो डिलीट नहीं हो रहा है, ग्रुप डिलीट नहीं हो रहा है, वो ब्लॉक नहीं हो रहा, वो सिंगल आदमी नहीं है, वो ग्रुप बना के आपको कॉल कर रहा है और वो चार पांच बार अटेम्प्ट करेगा उन नंबरों से, कमजोर दिल होगा दे देगा, मजबूत होगा नहीं देगा। तो उनका ये तरीका था, डर वाला तरीका था। मैंने इसका तरीका भी बताया था कि अभी जो माहौल चल रहा है इसमें आप कोई भी अननोन कॉल आए तो आप फोन को ऐसे उठाइए, उठा लीजिए, अगर आपको उठाना ही है तो ऐसे, तो आपका क्या है कैमरा आसमान की तरफ है, आप सामने वाले को देख सकते हो कौन है, आपका दोस्त है तो ठीक है, नहीं है तो आप कट कर दीजिए, सामने वाले की एक्टिविटी दिख जाएगी। अब करते क्या, वो ऐसे ले लिए तो उनका एक इनबॉक्स में उनका भी मुंह आ गया, सामने वाला उधर न्यूड है, फिर वो करेगा स्क्रीन रिकॉर्ड और फिर आपको ही भेजेगा कि पैसे दो, नहीं तो मैं आपके नज़दीकी कॉन्टेक्ट उसमें रखेगा, फेसबुक में जैसे लोग रखते हैं, भाई पत्नी बीवी बच्चे भाई बहन सबके रहते हैं ना उसमें रिलेशन, उनको धमकाएगा कि मैं उनको वीडियो भेज दूंगा। भेजते किसी को नहीं है क्योंकि सब जान गए कुछ है नहीं वो। तो बहुत लोग डर के दे देते हैं, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक मारिए इनको तुरंत, उससे ब्लॉक मारिए और उनका नंबर को फीड कर लीजिए इसी तरह चोर फ्रॉड जो भी नाम से है, ताकि दूसरे पे जाए उनको भी शो करे वो। सर मैंने तो सुझाव ये दिया कि आप लड़के हैं, आपकी इतनी इज्जत नहीं है, आपकी उम्र के लड़के को गांव में नंगे नहाते हैं तालाब में। सुनो सुनो, और आप खुद ही फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए कि मैं सख्त हूं। सुनो कस्तूर महाराज, ये इंसान है जब त्रिशंकु लटके रह गए तो ये सब चक्कर, ये सब की बात का कोई मतलब नहीं है। बस इनको फौरी तौर पर यही समझाओ कि भैया बचाव ही इलाज है, और अगर आपसे गलती हो भी गई उठा लिए तो कट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, उसमें टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं है कि वो शेयर कर देगा वो कर देगा, कर रहे तो कुछ नहीं कर देगा, कुछ भी नहीं कर देगा, डरने की जरूरत नहीं है। इंसान है, कई लोगों ने सर खुद डाल दिया, कई लोगों ने खुद डाल दिया कि इस व्यक्ति ने मेरे पास जो है न्यूड वीडियो कॉल किया, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, जैसे ही हमने खुद सोशल मीडिया में वो पोस्ट कर दी, तो अब आपको जी फिर कॉल नहीं करके कि आप पैसा कीजिए। सुनो तुम हंसोगे, जो 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 मरने की बात हमको बताए थे कि आत्महत्या कर लूंगा सर जी। अभी इतना हंसी आती है कि ना, जैसे कि पुलिस वाले का नजर दिमाग, उन्होंने मुझे उसकी स्क्रीनशॉट भेजा व्हाट्सएप चैट का, तो जिस लड़की की फोटो लगी थी वही सेम लड़की की फोटो लगा कूका, मेरा कूका जो अकाउंट है उस पर लिख के आया कि सर इस नंबर पे मुझे वीडियो कॉल करो ना, बताओ पब्लिकली लिख के आया, और वही फोटो है, वही फोटो सब जगह चल रहे हैं, दो चार दिन अंदर लड़कियों का फोटो लगा लगा के वो यूज कर रहे हैं, और जो कमजोर दिल हैं वो डर जाते हैं। तुम्हारे भी बहुत सारे दोस्त होंगे ऐसे, हमारे भी रहे हैं, तो भैया डरना नहीं है, हम कपसूल जैसे दोस्त हैं, उनसे बताओ शेयर करो, कोई भी गलती हो गई तो कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, आप बताओ कैसे, वो देखो कैसे हम लोग साले को सही करते हैं, उसको सामने वाले को, तुम उससे क्या मिले हो क्या, तुम उसको जानते हो क्या, ये वर्चुअली फेक दुनिया है, ये सिर्फ एक डर बना के आपसे पैसे ऐंठ ले रहे हैं, उस डर में एकदम नहीं आना है, बिंदास एकदम रहो, आप हमारा कांटेक्ट है, आप जो चाहो अपने सबको, मैं उस समय कस्तूर आपको बता रहा हूँ 10 दिन तक लोगों को फ्री दिन भर एडवाइस देता था, समय निकाल के जैसे बस सो गया काम खत्म किया तुरंत उनको दे दिया कि भैया कोई कह रहा है मैं मर जाऊंगा, कोई कह रहा है ये कर लूंगा, कोई कह रहा है अरे भैया कुछ मत करो, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में बहुत लोगों के मैसेज आए, थैंक यू सर बचा लिया आपने, कुछ नहीं आप खुद ही बच गए, हमने नहीं बचाया, सिर्फ आपको मैंने हिम्मत दी और कुछ नहीं। आप लोग जो है अननोन प्रोफाइल की फ्रेंड रिक्वेस्ट ही नहीं एक्सेप्ट कीजिए। दूसरी चीज, अगर किसी का नंबर फेसबुक में पब्लिक है तो उसको आप जो है उसमें प्राइवेसी लगा लीजिए, ओनली फ्रेंड्स कर दीजिए या ओनली मी कर दीजिए। ये कुछ प्रिकॉशन है जिसको आप लोग जरूर कीजिए सर। कुछ और, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही कंपनी के हो गए अभी, तो वो इन्होंने नंबर डाले नहीं कि लिंक है उसमें, वो मिल जाते हैं उनको, तो उसको प्राइवेसी में जाके उसको आप बंद कर लीजिए, अनलिमिट कर लीजिए, बेहतर है। सर कुछ सवाल और हैं कि बहुत सारे लोग इस समय गांवों में बहुत समस्या है कि कुछ लोगों को कहा जाता है कि 25 या 50 लाख का चेक आपको दिया जाएगा और एडवांस में उनसे पैसा मांगा जाता है,
ये बताओ कस्तु वही वाली बात है ना कि कोई मुफ्त में जहर भी ना देता। ऐसा मेरे पास पहली बार केस आया था 2011 या 12 में। मुझे एक इंग्लैंड की कोई मैरी करके थी महिला का मैसेज आता है इनबॉक्स में कि मेरे फादर एक्सपायर कर गए, उन्होंने एक बहुत सारा पैसा मेरे लिए छोड़ रखा है डॉलर में, तो आप अकाउंट नंबर दे दो तो आपके में ट्रांसफर हो जाएंगे, आप आधा आप रख लीजिए आधा मैं रख लूंगी, मुझे दे दीजिएगा। बताओ, मैं दो लोगों का नाम नहीं लूंगा, मेरे दोस्त एक मीडिया में थे एक डॉक्टर थे, उन्होंने उसको अकाउंट नंबर भी दे दिया और उसने बताया कि मैं इंडिया आ गया हूँ और आपके ट्रांसफर होने वाले हैं पैसे, हमारा एयरपोर्ट पे मेरा वॉलेट चोरी हो गया, अब थोड़े से पैसे और डाल दो। तो भाई साहब ने और थोड़े से पैसे डाल दिए, तो उनको दो बार ठग चुका था। फिर वो बोला कि देखिए आपके अकाउंट में पहुंचने वाले हैं और आप हमें अपना उसका सीवीवी बता दो एटीएम का। तो उनको डाउट हुआ, कुछ उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने बताया कि देखो हमारे पास भी आए दिन भर यही होता कि तुम दो बार लुट चुके हो, तीसरी बार और लुटने जा रहे, तो किस किस कारण से, वही लोमड़ी वाली कहावत है ना, लालच बुरी वाला, सिर्फ लालच में भाई जी उसके सर, वो पैसे आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं तो वो खुद ही ले ले, हम हमें क्यों दिला रहा है, हमसे क्यों मांग रहा है, छोड़ो छोटा सा अमाउंट। सर निरंकार वर्मा सर जो हमारे चैनल पे जियोग्राफी पढ़ाते हैं, उनका सवाल है कि ऑनलाइन शॉपिंग करके कई बार ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं हम, और उसके बाद जब प्रोडक्ट आता है उसको अनबॉक्सिंग करते हैं तो पता चलता है कि जो है बॉक्स खाली है या फेक प्रोडक्ट है, तो ऐसे देखिए स्थिति में क्या देखिए कार्रवाई की जा उसका सकती है? उसका देखिए उसमें तो 100% कार्रवाई हो जाएगी, इसके लिए जिम्मेदार जो भी कंपनी है वो भेज रही है। सबसे अच्छा तरीका, आज के टाइम में एक्सीडेंट होता है, बॉडी आप नहीं उठाओगे, फोन लेके वीडियो बनाने लगते हो कि पुलिस आएगी, तब तक हम वीडियो बनाते रहे वो मर जाए आदमी। तो भैया तुम्हारे सामने प्रोडक्ट आ रहा है उससे कहो खोलो और उसकी वीडियो बनाओ जो लेके आ रहा है उसी के साथ में, ठीक। जैसे ही जी फर्जी निकलता है उनको वहीं पकड़े रहो, नजदीक से पुलिस बुला के दे दो, कंपनी भी माफी मांगेगी आपको, आपसे माफी मांगेगी और सेम प्रोडक्ट भेजेगी और जो पैक किया होगा उसको सजा मिलेगी। उसमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉय मिले हुए, कंपनी नहीं करती है ऐसा, एम्प्लॉय की बदमाशी होती है जो पैकिंग करते हैं। तो जब कोई जी प्रोडक्ट आ रहा है इतनी जल्दी, क्या है कि ले लिए बगैर देखे, आप अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं जो लेके आ रहे हैं वहीं उसको पकड़ो उससे कहो खोलो, नहीं खोलो तो तुम रोके रहो, लो भैया वीडियो बनाओ हम खोल रहे हैं इसमें कि नहीं है, ठीक है। मैंने एक बार खुद मंगाया, मैं बता रहा हूँ अपना अनुभव, मैं प्रयाग में ही था, तो वो कहा कि सर आप खोल नहीं सकते मेरे सामने। तो मैंने कहा अरे भाई यार तू तो पुलिस वाले को ऐसे बता रहा है, तो पब्लिक को क्या बताता होगा। तो हम कहे हम खोलेंगे और तुम रिटर्न लेके जाओगे। तो जो चीज था उसमें वो एकदम फेडेड डल टाइप का, जैसे बहुत कई साल का रखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक वाला प्रोडक्ट, वो तो वापस लेके गया। तो मैंने कहा कि भैया पुलिस वाले हैं हम लोग, दिन भर यही उससे खेल रहे हैं, हमने पेड कर दिया है, इसमें कुछ का कुछ निकलेगा तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। रिटर्न का ऑप्शन होता है उसमें, आप रिटर्न कर दीजिए। तो लेकिन अगर फोन उसमें आपने मंगाया आईफोन वो आ गया उसमें रियलमी या रेडमी क्या होता है, तो रिटर्न क्या करोगे आप, रिटर्न तो जी आपको वही करना होगा ना। तो इसलिए प्रोडक्ट जो भी आ रहा है, जो लेके आ रहा है बंदा, उसी के सामने खोलिए, उसी की वीडियो बना के खोलिए, ताकि आपके पास ये रहेगा एफआईआर करने के लिए, और बैंक आप वो कंपनी आपसे माफी मांगेगी और पूरा रिटर्न करेगी हर जाने के साथ। इसके लिए हमारा कंज्यूमर फोरम बना है ना, थाने से रिपोर्ट करिए, उसको जाके कंज्यूमर फोरम में दीजिए वो वीडियो, और वो खुद बंदा गवाही देगा जो लेके आया है कि हाँ मेरे सामने प्रोडक्ट खोला उसमें वो नहीं है था। तो क्यों इतनी जल्दीबाजी है कि हम बगैर दिए लेके रख लिया फिर आराम से खोल रहे हैं। अरे पैसा गया तो देख लो यार ना क्या आया है, जैसे पहले जाते थे 10 चीजें हम पलट के देखते थे कि नहीं कटी फटी तो नहीं है, चद्दर लेने के 10 बार देख रहे हैं कटी फटी तो नहीं है, तो आज कहीं से दूसरे पैक करके भेज रहे हैं, दूसरे के विश्वास में ले रहे हैं, तो भैया सामने आ गए तो देख तो लो कि चद्दर मंगाए खोल के, भैया चद्दर सही है छेद तो नहीं है, आपका पैसा जा रहा है तो आपका हक बनता है ये। सर कदम कुमार जी का सवाल है कि अगर लैपटॉप या फोन मिस हो जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले भाई साहब उस नंबर पे रहम करना, कॉल नहीं करना, वो थाने में FIR लिखा देना, 2 दिन भी ना करना, वो अगर गलती कर जाता है तो बहुत अच्छा होता है कि फिर वो छुप नहीं सकता है। दूसरा आप जाके अपने किसी भी जिले में, अब साइबर साइबर सेल सभी जगह बन गई है, ठीक है, उनको आप दे आइए एक एप्लीकेशन। अभी क्या है ना, वो खोया पाया इकट्ठा रख लेते हैं, हम इलाहाबाद में इतना बांटते थे, 40 40 50 इकट्ठा करके मैं बांटता था। तो होता क्या है कि जैसे चोर को आपने दे दिया, अभी सब चालाक हो गए वो,
तो चोर क्या करते हैं, यूज नहीं करेंगे, रख लेंगे उसको, क्योंकि अभी तुरंत हुआ पुलिस को दोगे। पुलिस क्या करेगी, जितनी कंपनियां हैं सेल फोन की, जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं, सबको हम मेल डालते हैं कि ये EMI नंबर, इसमें कौन सा फोन चल रहा है, हमें बताया जाए, तो वो रख लेते हैं। तो हम जब मेल डाले, उन्होंने रिजल्ट दे दिया कोई नहीं चल रहा है, तो हमने बता दिया कोई नहीं चल रहा है। तो इसमें आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, आपको तब तक फॉलो करना पड़ेगा, जाके पुलिस से उनको भैया एक बार फिर करा दीजिए एक स्कैन, पिछले वाले में नहीं आया, वो कराते रहते, वो स्वयं भी कराते रहते हैं, लेकिन आपको भी लगता है तो एक बार उनसे साइबर सेल वालों से पूछ लो भैया अभी चला नहीं है, क्योंकि चालाक हो गए चोर। बहुत जगह चोर क्या करते हैं, बैटरी अलग बेच देते हैं, डिस्प्ले अलग बेच देते हैं, और मदरबोर्ड अलग, मदरबोर्ड वाले पकड़ में आ जाते हैं, डिस्प्ले वाले और बैटरी वाले नहीं पकड़ में आते हैं। तो चोर भी तो चालाक हो गए हैं, लेकिन कोई अब उस तरह से दुकान वाला भी नहीं लेता है। देखिए हमारे ऑफिस की उस पर रोज लड़ाई करने आती है, ये कांच के उधर दिखता नहीं है, शोर मचाती है, ये देखिए कांच देख के ही आपस में झगड़ा करती है। मेरे यहाँ भी है सर। तो उनको 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 मेरी यही सलाह है जो अभी बताया मैंने, कि उसी तरीके से करें। सर वीर वेंकट रमन जी का सवाल है कि मेरे नेम से फेक ईमेल आईडी बनाकर उससे ऑफिस के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक किए गए, कैसे पता कर सकता हूँ कि मेरे नेम की आईडी किसने बनाई, प्लीज गाइड सर। नहीं नहीं, जैसे किसी के मेल पे तो गए होंगे ना, तो मेल आईडी तो पता चल जाएगी, जो मेल वो मेल आईडी है ना इनके पास, जो जो फेक बनी है। जी सर, वो मेल आईडी है इनके पास, तो ठीक है, इन्हीं के नाम से बनाई गई है। वो मेल आईडी लिख के उसका प्रिंट लेके एक FIR करा दें, उसमें आईपी एड्रेस होता है ना। हम आप आज चैट कर रहे हैं तो हमें कस्तूब का निकालना है, अगर लैपटॉप से कस्तूब है तो आईपी एड्रेस से वो फोन नंबर मिल जाएगा, उस लैपटॉप का वो मिल जाएगा, उस फोन का मिल जाएगा। देखिए जिससे यूज हो रहा है वो तो उसका तो एंड पॉइंट है ही कि किस सेट से यूज हुआ। अब जो चोरी के फोन से यूज किया होगा तो मुश्किल है, वो फोन चोरी का होगा, सिम फर्जी होगी तो मुश्किल है। अगर गलती, वैसे ऐसा होगा नहीं, इसमें सही बंदा निकलेगा, इनके ये ऑफिस का कोई होगा तो ये उसका एप्लीकेशन दे बना के, आईपी एड्रेस मिल जाएगा उसका। अंशुमान आर्या जी पूछ रहे हैं कि इन्होंने अपने, इनके किसी परिचित ने बैंक में FD करने के लिए कुछ पैसा दिया था और बाद में बैंक की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया और बाद में बुलाया गया, जब वो बाद में जा रहे हैं तो वो कर्मचारी आनाकानी कर रहा है, ऐसे में क्या किया जा सकता है? उस कर्मचारी के खिलाफ 406 का मुकदमा लिखा है, इन्होंने उसको पैसा दिया है, पहले तो इनको वही सामने कराना चाहिए, ये तो उस कर्मचारी की बदनीयती है। सीधा 406 का मुकदमा लिखेगा, अमानत में खयानत, मेरा पैसा ले लिया इन्होंने, FD नहीं कराई। जी सर, सलजा कांत त्रिपाठी सर जो हमारे पेज पे एडमिन भी हैं, वो बता रहे हैं कि वर्तमान में फेसबुक पर क्लोन अकाउंट बन रहे हैं और कई लोगों के इन अकाउंट की शिकायत करने के बाद ये अकाउंट बंद हो जाते हैं। अगर मेरा अकाउंट किसी ने बनाया है, अगर मैं शिकायत करूं तो फेसबुक उस अकाउंट को बंद कर देगा, तो क्या बंद होने के बाद इनको ट्रेस किया जा सकता है? वो ट्रैक हो जाते हैं एक्चुअली ना, जैसे कोई भी अकाउंट आया तो उस अकाउंट के जब उसमें जाओगे तुम अबाउट में, तो उसकी एक आईडी जनरेट करता है फेसबुक, वो आप कॉपी कर लीजिए लिंक, समझ गए ना आप। जैसे आप फेसबुक में गए, मैं आपको दिखाता हूँ, इस दूसरे वाले फोन का नेट स्लो है, हाँ खुला, तो आप उसके अबाउट में जाके उसकी जो अकाउंट लिंक है वो आप कॉपी कर लीजिए। देखो जैसे ये मेरा अकाउंट है, दिख रहा है ना अकाउंट? जी सर, जी सर, इसमें जो छोटे छोटे तीन, जो छोटे छोटे तीन पॉइंट हैं, इस पे मैंने उंगली रखी, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब इसमें देखो ये सबसे जो नीचे है वो लिंक है, ये मेरी यूजर आईडी है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसमें लिंक कॉपी का ऑप्शन भी है, कॉपी लिंक, उसको आप व्हाट्सएप में डाल लीजिए अपने, हो गया, वही है बंदा। आप प्रोफाइल पे जाके वो तीन पॉइंट होते हैं उस पर रखेंगे तो ये सीधा लिखा है प्रोफाइल लिंक, ठीक है, नीचे सबसे प्रोफाइल लिंक लिखा है, उसके नीचे कॉपी भी लिखा है, उसी को कॉपी करके आप सेव कर लीजिए अपने इनबॉक्स में कहीं पे भी,
वो कहीं भी जाए वो उनके सर्वर में डंप हो गया, वो रहता है वो डोमेन में उनके। सर एडवोकेट दिव्यांशी जी पूछ रही हैं, सर मेरा एटीएम खो गया था और उससे शॉपिंग भी हुई, बट एफआईआर करने पर कोई एक्शन नहीं हुआ, पिन कैसे पता चला उन्हें? जब एफआईआर कराने कोतवाली गए तो वहां कांस्टेबल ने बोला कि बॉयफ्रेंड को कार्ड दे दिया होगा, बताएं सर ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? उनसे उनसे ये पूछिए कसूब, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमारा ले लो, अभी आप सीवीवी में खुले दे देता हूं, कार्ड नंबर भी दे देता हूं, तो क्या आप शॉपिंग कर लोगे हमारे कार्ड से बगैर ओटीपी के? जी बताओ, क्या इनके पे ओटीपी नहीं आया? उन्होंने कहा ओटीपी नहीं लिया, लेकिन सर इनका एटीएम कार्ड ही खो गया था। मैं कह रहा हूँ एटीएम तो, कार्ड से का नंबर ही आप डालते हो, कहीं जाओगे तो वो ओटीपी तो हर जगह आता है। नहीं सर, जब एटीएम कार्ड सीधे स्वाइप करके मशीन में, मान लो वो चला वो मॉल चला गया, मॉल चला गया, वहां उसने स्वाइप करा दिया होगा, ये आप कहना चाह रहे हो? जी जी सर। तो स्वाइप जब कराया होगा तो आप मॉल चले जाइए, वहां से मिल जाएगा वो किस जगह से स्वाइप हुआ है, वहां से उसका सीसी फुटेज मिल जाएगा उस बंदे का। तो हमारे यहाँ एक फेस रिकॉग्नाइजेशन वो है ऐप, हम उसमें डालेंगे, उसका आईडी निकल आएगा, निश्चित निकल आएगा। आप मेरा चेहरा भी कॉपी करके डाल दीजिए किसी भी, उसमें सबसे आसान फेसबुक में डाल दीजिए, आपको निकल आएगा, किसी में भी डालिए अकाउंट निकल आएंगे, गूगल पे डालिए निकल आएगा ये बंदा कौन है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। उनको कहिए कि उनके बैंक से वो मिल जाएगा स्टेटमेंट में कि किस जगह से किस दुकान से स्वाइप हुआ है पैसा, जहाँ से स्वाइप हुआ है उस बंदे के यहाँ सीसी कैमरा भी लगा होगा, वहाँ से उस बंदे का वो मिल जाएगा फोटो। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वो कहीं स्वैप करने आप जाओगे तो बगैर उसके तो होता नहीं है, आपको स्वैप मशीन देगा उसमें आपको पास वो डालना होगा, आपको एटीएम का कोड डालना होगा, बगैर उसके आपके बगैर कैसे डाल देगा वो? ये बहुत पुरानी बात तो नहीं बता रही, पहले हो जाता था डायरेक्ट उससे बगैर ओटीपी बगैर कार्ड के। हो सकता है सर पुरानी बात हो, या हो सकता है पिन को बाईपास करने का कोई तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। पुरानी बात बता रही होंगी, आज आप डीजल लेने दुकान पे परचेजिंग करने जाते हो, स्वैप करता है आपको, देता है ना कि आप अपना पासवर्ड डालिए, मगर पासवर्ड की कैसे संभव है? एटीएम कार्ड का जो पासवर्ड होता है आप डालते हो ना? या हो सकता है इनका कार्ड जो है चुराया गया हो ऐसी जगह जहाँ पे व्यक्ति को इनका फिंगरप्रिंट वगैरह देख लिया। मैं बता रहा हूँ 4-5 साल पहले कार्ड चुराने पे वो परचेजिंग करने जाओ मॉल में स्वैप कर लेते थे, तब नहीं होता था, लेकिन अभी प्रॉपर वो ऐसे आप देखो कि छुपा के उसका वो भी रहता है कि दूसरा बना देख पाए पासवर्ड डालने का, और रहता है जब आप एंटर करोगे तभी आपके पैसे निकलेंगे, स्वैप होंगे तभी परचेजिंग कंप्लीट होगी। निशांत शेखर प्रताप सिंह पूछ रहे हैं, इस वक्त गर्ल की आईडी बनाकर लोगों से गंदी चैट वीडियो चैट करने के बाद ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ऐसे बहुत घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं, इससे कैसे बचे लोग? इस बारे में हम लोग विस्तार में चर्चा कर चुके हैं, दोबारा आप जो है सुनिएगा जो है वीडियो को जब सेशन खत्म हो जाए, उसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। किसी भी अननोन व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कीजिए, अपनी प्रोफाइल पे प्राइवेसी लगा लीजिए, अपना नंबर जो है पब्लिक मत कीजिए, वीडियो कॉल उठाते वक्त अपना फ्रंट कैमरा बंद कर लीजिए, या तो फिर उंगली ऊपर की तरफ कर लीजिए। जी उंगली रख के फ्रंट कैमरे पे उंगली रख लें, ठीक है, फिर उठा लें, और उंगली नहीं रख सकते तो ऐसे चेहरे के सामने पैरेलल रख के उठा लें ताकि कैमरा सामने होगा। July 5, 2019 की बात है सर, जब मोबाइल पे मैसेज आया कब मैंने FIR करवाई, जो ATM वाली बात कर रहे थे सर हम, वो 5 July 2019 की घटना है। नहीं, मैसेज इनके पास आया स्वैप का, तो इन्होंने फिर वहां जहां से स्वैप हुआ था वो निकलवाया नहीं सीसी फुटेज? इन्होंने FIR करवा दी, उसके अलावा कोई कार्रवाई आगे जो है इन्होंने शायद नहीं किया। अभी देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि हो सकता है जिनको इन्वेस्टिगेशन मिली हो उनको ही ना पता हो, बहुत सारे क्राइम एडवांस हो रहे हैं, अब इसमें चाहिए था जहाँ पे FIR हुई थी उनको तुरंत बैंक का स्टेटमेंट लेते, बैंक के स्टेटमेंट में हर स्वैप का कोड होता है, वो बता देता कि किस दुकान का किस जगह का है, इवन के मैसेज पे भी आया होगा उसका इस शोरूम का नाम के साथ आया होगा मैसेज, जैसे हम लोग कहीं खरीदते हैं ना तो लिख के आता ना कि ये नाइक शोरूम सिविल लाइन्स भला, ये ऐसे आया होगा, तो
तो वहां जाके ये स्वयं भी ले सकते थे, उसका मिल जाता है इनको, हो सकता है इनका परिचित ही हो, इनके घर से ही चोरी किया हो, इनके परिवार का ही। मृत्युंजय प्रजापति जी एक सूचना दे रहे हैं, सर नाउअडेज टैप एंड गो टाइप कार्ड आर कमिंग व्हिच डज नॉट रिक्वायर द पिन ड्यूरिंग शॉपिंग। नहीं समझ पाए क्या बोल रहे हैं कि शॉपिंग के दौरान बगैर पिन के, बगैर पिन के इनको टैप एंड गो टाइप के कार्ड बोला जाता है, टैप एंड गो। तो जिनमें जिनमें अगर पासवर्ड वाला नहीं है तो वो थोड़े खतरनाक हैं कार्ड ना, उनका तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और फिर वही है, अगर चला जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन यही बचता है कि उस जगह का सीसी फुटेज आप तुरंत ले लीजिए, उस बंदे का फोटो मिल जाएगा, और फोटो रिकॉग्नाइजेशन जो आया है ऐप उसके थ्रू पुलिस 90% तक अभी हल हो जा रहे हैं, निकालने की कोशिश करती है, सोशल साइट पर देखती है डाल के कि शायद कहीं हो, तो वो मिल जाता है। और अगर दुर्भाग्य होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। सर अविनाश सिंह सिंबल जी पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? जी अविनाश सिंह सिंबल जी पूछ रहे हैं, सर कभी कभी एटीएम से 500 की नकली नोट निकल आती है और एटीएम में कोई गार्ड ना भी हो तो कैसे बचा जाए? एक मैं उदाहरण बताऊं आपको, इसमें भी देखिए कहीं ना कहीं बैंक वाले मिले हैं। एक मुरादाबाद में एक आंखों से दिख रहा था कस्तूर की नकली फेडेड चेक है, मतलब ये डुप्लीकेट बनाया हुआ चेक है, तो भाई उसको क्यों पास कर दिया? 48 लाख का है तो आप अभी 10,000 से ऊपर का आएगा नहीं कि कॉल आ जाता है कि ये आप ही निकाल रहे हो कि नहीं, आता कि नहीं आता है? आता है, है ना? तो 48 लाख का निकल रहा है, क्यों नहीं आप कॉल कर रहे हैं, क्यों उसे चेक को क्लियर कर दे रहे हो? मैंने कहा जब आंखों से दिख रहा है, तो कह रहा है मैंने मशीन से देखा था, मशीन ने पकड़ में नहीं आया। अरे भैया जो ईश्वर ने दिया है आंखों का स्कैनर दिया है, इसी से पकड़ में आ रहा है, तो आप मशीन से क्यों कर रहे हैं? डाउट हो गया था आपको, फोन करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लोग ले रहे हैं जो मैन्युअली बैंक में जमा करा रहे हैं, जब बैंक में जमा करा दिए आपने तो वही तो मशीन में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बैंक का नहीं, बैंक एम्प्लॉय का फॉल्ट है। आप निकलता है तो आप प्रॉपर उनको दीजिए वो नोट के साथ में, वो रिप्लेस करेंगे, बैंक रिप्लेस करती है, क्योंकि जिस जगह आप एटीएम से निकालेंगे ना, आपका निकालते हुए पूरा फुटेज रहता है। आप कहिए कि ये एटीएम का कोड है, इस एटीएम की आप फुटेज दीजिए हमको, उसमें देखिए मैंने निकाला है और ये आपका 500 का नोट नकली आया है या 1,000 का नोट नकली आया है, इसको आप करिए। अभी तो बंद ही हो गए तो संभव नहीं है अभी आने का, और आ जाता है तो ये प्रोसेस आप करिए, आपको बैंक वापस करेगी, रिटर्न करेगी, नहीं आप FIR लिखा दीजिए थाने में, अगर नहीं करें तो उनके खिलाफ। भाई कोई हम थोड़ी बना रहे हैं, हम प्रिंटर थोड़ी लगाए हैं, हम बनाएंगे तो कई करोड़ नहीं बना लेंगे, हम 1-2 हज़ार का नोट थोड़ी बनाएंगे नकली, हमारे लिए तो 2,000 बहुत है, जो निकाले वही नकली आ गया, तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप बेधड़क जाइए बैंक को, मैनेजर से मिलिए, उनको बताइए, दीजिए कि फुटेज दीजिए हमें, इसका ये निकला है आपके यहाँ से ही आया है, वो रिटर्न करेंगे आपका नोट और बैंक को भेजते हैं, नहीं करते तो आप थाने में एक शिकायत दीजिए उनका। सर साइबर क्राइम जो है समाज में जिस प्रकार से अपराध की परिभाषा बदल रही है, जिस प्रकार से अपराध का तरीका बदल रहा है, तो क्या साइबर क्राइम के लिए कोई सख्त कानून लाने की आवश्यकता महसूस होती है आपको? नहीं नहीं बहुत जरूरी है, अभी बहुत चीजें साइबर क्राइम को रोकने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दूसरा क्राइम कर रहा है ना, कोई मजे में कर रहा है, कोई मौज में कर रहा है, कोई इंटेंसली कर रहा है, कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडे के रूप में कर रहा है, कोई सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन लाने के लिए कर रहा है ना, कोई दोस्त अपने दोस्त को ठग रहा है, दोस्त को नीचा दिखा, तो बहुत तरीके के हैं। तो एक तरीके से ये कुछ फ्रस्ट्रेशन में भी लोग कर रहे हैं, तो इस पर कानून बनना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे पहले व्हाट्सएप पे लोग कितना तेज फॉरवर्ड करते थे, आखिर कुछ लिमिट हो गया ना कि आप 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और देखिए मेरा सबसे आपको हाथ जोड़ के निवेदन संदेश है, किसी भी सदस्य, किसी भी ग्रुप के सदस्य ना बने, ठीक, किसी भी ग्रुप के सदस्य ना बने। हम अभी आपको अपना फ़ोन दिखा देता हूँ, मेरे हॉस्टल्स के दोस्तों का, सीनियर्स का ग्रुप है, मेरे बचपन के दोस्तों का ग्रुप है, और मेरे मीडिया के दोस्तों का, क्योंकि मुझे दिन भर चीज़ें पढ़ती हैं, बहुत चीज़ें हमें नहीं पता चलती हैं, जो हमें मीडिया से मिल जाती हैं, हमें अपने में सुधार, अपने सबॉर्डिनेट को सुधार का मौका मिलता है, काम की एफिशिएंसी बढ़ती है हमारी, वो हमारे लिए ज़रूरी है, वो रखते हैं। तो हम इतने ही 3 हमारे पास ग्रुप हैं,
बाकी ग्रुप में जाने का मतलब है कि कोई किसी ना किसी के अगेंस्ट फालतू चीजें डाल रहा है, आपके दिमाग में कीड़ा बिठा रहा है। और एडिटेड चीजें इतनी घटिया होती हैं, इतनी गलत बेसरपैर होती हैं, जैसे आप हंसोगे, मैंने एक फेसबुक पर डाला था एक दिन कि भैया सोशल मीडिया पर शेयर करने वाली चीजें हम जो डाल रहे हैं वीडियो देख लेना, अगर ये सच है तो इसी तरह वो सब सच है, और सब फेक गलत एडिट करके इसका सर उसका वो इसकी शब्द उसके में डाल के अर्थ का अनर्थ कर दे रहे हैं। मैंने वीडियो डाले था, उदाहरण बता रहा हूँ, एक लड़का सड़क पे खड़ा हुआ है, सामने से फाइटर जेट आ रहा है, एकदम नीचे ऐसे फाइटर जेट आ रहा है, उसने फाइटर जेट के मुंह पर हाथ मारा, धूल उड़ी, फाइटर जेट वहीं रुक गया। क्या ऐसा हो सकता है? तो वो तो साउथ के हम लोगों के उनको भी फेल कर दिया, डायरेक्टर्स को भी। तो इसी तरह सोशल मीडिया है, सब एक दूसरे के विरुद्ध फर्जी अपने एजेंडे चला रहे हैं, उनको टेम्पर करके एडिट कर करके भेज रहे हैं। कृपया किसी भी उसमें नहीं आए जब तक कि आप स्वयं चेक नहीं कर लें। सर, भारत में वर्तमान में साइबर क्राइम से बचने के लिए कौन कौन से एक्ट या कानून हैं, उनके बारे में थोड़ा एक ब्रीफ नॉलेज दे दीजिए। देखिए, आप गूगल कर लीजिए, आईटी एक्ट बना है भारत ने, बनाया है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट में बहुत सारे अलग अलग सेक्शन हैं, आप सारे पढ़ लेंगे, उसमें कौन सा किस में आता है सारी चीज़ मिल जाएगी। जैसे अभी हमारे यहाँ मैक्सिमम साइबर एक्ट का 60 वो एक आता था, एक ब्लॉक हो गया जो जिसमें कुछ लड़के बंद हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, 60-61 ही दो इन होते थे मैक्सिमम यूज़। बाकी आप पढ़ लेंगे, पूरा दिया हुआ आईटी एक्ट, आप गूगल करिए, आपको आईटी एक्ट मिल जाएगा, एक एक धारा उसमें डिफाइंड है कौन सा क्राइम किस श्रेणी में आता है। आईटी एक्ट आप डालिए, आपको आ जाएगा। बहुत सारी जो है इस समय नकली वेबसाइट जो है बन गई है, और बहुत सारे फेक ऐप भी बन गए हैं। आप जैसे फेसबुक डालेंगे तो फेसबुक के नाम से मिलते जुलते कई सारी वेबसाइटें हैं, अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करना चाहेंगे तो उसके नाम से मिलते जुलते कई सारे ऐप हैं। तो ये जो मालवेयर्स हैं या फिशिंग वेबसाइट हैं, इनसे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, ये किस प्रकार हमारा डेटा लीक करते हैं, और इनसे दूर क्यों रहा जाए? बहुत टफ है ये, बहुत टफ चीज है कसु, अच्छा आपका प्रश्न है। इससे रिलेटेड एक आपको मैं चीज बताऊं, फेसबुक पे इस समय फॉरेन के, खासतौर पे मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, यहाँ के साइबर हैकर बहुत तेज एक्टिव हैं। वो क्या करते हैं, मैं उस पर भी एक दिन पोस्ट डाला था, आपको दिखाता हूँ। आदमी इतने जल्दी डर जाता है, वो भी वो डर का ही खेल है, कि उन्होंने एक आपको पहले वो क्या करते थे, इनबॉक्स में मैसेज भेजते थे और एक उसमें पोस्ट आपका लगा देते थे कि ये आपकी पोस्ट वायलेंट है और ये फेसबुक के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, इसको आप डिलीट कर दीजिए और आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए, ये मैं लिंक दे रहा हूँ, इसमें जाके अपना आईडी प्रूफ लगाइए और पासवर्ड चेंज कर लीजिए, बस वही फंसाने का तरीका है। तो वो अब इनबॉक्स की जगह वो क्या करते हैं, मिलता जुलता सेम बनाते हैं फेसबुक के जैसा, फेसबुक की फ़ोटो भी होगी, वेबसाइट भी होगी, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें फॉलोवर कम होंगे और वेबसाइट फेसबुक की होती नहीं है। कभी फेसबुक आपको कुछ कहेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात, ना इनबॉक्स में आएगा कोई मैसेज, ना कोई टैग होगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा फेसबुक का, और नोटिफिकेशन जब आप ऑन करेंगे तो सीधा सपोर्ट बॉक्स में पहुंच जाता है। जैसे अभी आप खोलें फेसबुक का, जाएं हेल्प सेंटर में, हेल्प सेंटर के नीचे सपोर्ट बॉक्स होगा, कुछ भी आपको उनसे वार्तालाप करना है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप सपोर्ट बॉक्स में जाके उनको मैसेज करिए, वो आपको रिप्लाई देंगे, उससे संतुष्ट नहीं है आप फिर उनको आप करिए। आवाज आ रही है अभी आपको? आवाज आ रही है कस्तूर आपको? अभी
कसु आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज मिल रही है कसु? आवाज आ रही है? जी सर, अब आवाज आ रही है। जी जी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था कि कभी भी फेसबुक आपको कभी भी टैग नहीं करेगा और कभी भी इनबॉक्स में नहीं भेजेगा। देखिए, आप हेल्प सेंटर में जाएंगे, जो जो आपके दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, दो ऑप्शन आते हैं आपके, हेल्प सपोर्ट और सेटिंग प्राइवेसी, नीचे देख रहे हैं आप, ये दो आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये वाला क्लिक किया तो इसमें ये आ गया सपोर्ट बॉक्स, हेल्प सेंटर का ऑप्शन तीसरा, सपोर्ट बॉक्स। सपोर्ट बॉक्स में आप जाइए, जो आपका क्वेश्चन होगा आप उनको टाइप करिए, वो आपको जवाब देंगे। दो चार दिन में आता है, क्योंकि इतना इतना इतने लोग हैं, इतना वो है। फेसबुक कभी इंस्टाग्राम आपको इनबॉक्स में या टैग नहीं करता है, कभी भी। वो आपको नोटिफिकेशन देता है, बगैर नोटिफिकेशन के अगर कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको हैकर से जोड़ के देखिए, फेक मानिए। जैसे अभी कैसे वो लोग कैसे कर रहे हैं, वो आपको एक टैग कर दे रहे हैं, मुझे दिन भर टैग करते हैं। मैं स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ लोगों को, देने के बाद भी। मैं अपने यूनिवर्सिटी की ही एक छोटी बहन है, उसका अकाउंट अभी कर लिया था, एक रेडियो आरजे है उसका कर लिया था, वेरीफाइड था उसका तो अकाउंट। उसने फ़ोन आया जैसे ही मुझे दिया, तो मैंने तुरंत फेसबुक को एक वो उसका भेजा और उसे प्रोसेस बताया कि आप तुरंत इसके हेल्प सेंटर में जाके आप अभी तुरंत रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई पेज आईडी से बनता है, वो पेज हैक करते हैं। और पेज हैक करने के बाद चालाकी क्या करते हैं, जैसे उन्होंने टैग किया आपको कि आपकी पोस्ट वायलेंस है, आप इसको अभी तुरंत हटाइए और आप अपना इसमें आईडी प्रूफ लगाइए और पासवर्ड चेंज कर लीजिए। जैसे ही उस आप साइड में गए कि आपका पेज हैक हो गया, ठीक जी। हैक होने के बाद वो आईडी नहीं लेते, उन्हें पेज से मतलब है, क्योंकि पेज प्रोफेशनल है, बिजनेस के लिए है, आईडी नहीं लेते हैं वो। आईडी पे क्या करेंगे, वो एक आतंकवादियों का फोटो लगा देंगे, जो अगेंस्ट कम्युनिटी वायलेंस है, जो फेसबुक के जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट है। तो आईएसआईएस का एक पोस्टर लगा देंगे, तो फेसबुक आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा, ठीक। तो आप जब जब उसमें जाएंगे, फिर आप प्रोसेस करेंगे, इसमें एक महीना दे लेगा फेसबुक कि आपका अकाउंट वापस करने में। आप उनको रिपोर्ट करेंगे हेल्प सेंटर से, दूसरी मेल आईडी देंगे, उस पर आएगा, फिर प्रोसेस होगा आपका, फिर से लॉगिन हो जाएगा, लेकिन पेज चला जाएगा। तब तक चालाकी इतने टाइम में क्या करते हैं कि आपको जाके उसमें से आपका कंट्री वाला उड़ा देंगे, आपको शो ही नहीं करेगा इंडिया में वो, ठीक है, दूसरे कंट्रीज में शो करेगा, इंडिया में नहीं करेगा। तो आप घबरा जाते हैं, आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो आप अपने पेज की, फेसबुक की लिंक में जाके उनकी जो कॉपी कर लीजिए पहले तो उनका लिंक, जिस नाम से पेज और आईडी है उसको लिंक कर रखे रहिए, इनकेस कभी ज़रूरत पड़े तो ये है मेरा पेज। भले वो फेसबुक से वो उड़ा दे, नहीं सो हो, लेकिन फेसबुक के डोमेन में हम देंगे, वो रिटर्न करेगा हमें फेसबुक। तो ये टैग वाली चीज़ों पे कतई ना आए फेसबुक और इंस्टाग्राम में, ख़ास तौर पर कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल ना करें। और कभी भी फेसबुक देगा तो इनबॉक्स में आपको वो नोटिफिकेशन देगा, इनबॉक्स में नहीं देगा, टैग नहीं करेगा। एक एडवाइस ये भी है कि फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या जीमेल हो, सभी में टू स्टेप वेरिफिकेशन आ गया है, आप लोग उसको जरूर ऑन कर लें कि जैसे ही कोई लॉगिन करेगा आपके अकाउंट में, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, बिना उस मैसेज के ओटीपी डाले हुए आपके कोई अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो सभी लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लें। मैं आपको रोकता हूं वस्तु, वो वैसी वाली हैकिंग अब नहीं हो पाती है, वो कहने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके संतुष्टि के लिए। हैकिंग हम अपनी गलती से करा रहे हैं, जैसे जैसे बहुत सारे लड़के लड़कियां सोना बाबू में बाबू को दे देंगे पासवर्ड, फिर वो कर लेगा तो कहेंगे हमारा तो हैक हो गया अकाउंट, ठीक है, वो गलत है, झूठ बोलते हैं। और दूसरा जो मैंने बताया, जब आपने लिंक डाल दिया, लिंक में आप अपना खुद ही पासवर्ड बदल रहे हैं, खुद ही वो कर रहे हो, उसमें आना ही नहीं, उसमें ओटीपी आपका, वो हैक हो जाएगा। वो गलती नहीं करनी, वो नहीं भरनी, वो तो तब आएगा ओटीपी जब कोई अटेम्प्ट कर रहा होगा आपके अकाउंट पे हैक करने की। जब आप खुद ही पासवर्ड वो चेंज कर रहे हो, उधर वो रीड कर रहा है, वो आपको लिंक दिया है, रीड कर रहा है, नया पासवर्ड उसने ले लिया, फिर थोड़ी देर में वो आपको ही हटा देगा, अपना फोन नंबर डाल देगा, अपना कर देगा। डॉक्टर अजय कुशवाहा जो इस समय ला के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका सवाल है कि किसी व्यवसायी को कैसे पता करें कि ये फर्जी है या जेन्युइन है? किस चीज को पता करने के लिए? व्यवसायी जो इसमें बिजनेस कर रहा है? नहीं सर, जो वेबसाइट वगैरह के कई मैसेज आ गए हैं, तो कैसे हमको पता चलेगा कि ओरिजिनल वेबसाइट है या फर्जी है?
देखिए जो असली व्यवसायी है उसके लिए कंपनी ने ये व्यवस्था कर रखी है कि जो अथेंटिकेट जो अथेंटिक है उसको उन्होंने अथेंटिकेशन कर दिया है, एक नीला ब्लू टिक दे रखा है प्रोफाइल के आगे, ठीक है। अनिरुद्ध सिंह हजारों हो सकते हैं लेकिन अनिरुद्ध सिंह पुलिस अफसर एज एन एक्टर वो एक ही है जिनके प्रोफाइल के आगे नीला टिक लगा हुआ है। तो अगर आपको वेरीफाइड प्रोफाइल से आता है तो वो वेबसाइट भी जेन्युइन है और वो बिजनेस भी जेन्युइन है। बाकी बहुत सारे लोग बना रखे हैं वेबसाइट, उनको आप ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। एक जो है व्यवसायिक के मामले में पता करने के लिए एक और तरीका भी है कि HTTPS जिस व्यवसायिक के पीछे S लिखा हो, मतलब कि वो व्यवसायिक सिक्योर है, और HTTP से शुरू होने वाली व्यवसायिकें अनसिक्योर है। तो आप जब भी किसी व्यवसायिक को विजिट करें तो उसके पीछे HTTPS S जरूर देख लें कि है या नहीं। दूसरी चीज, आप जब गवर्नमेंट की वेबसाइट देखते हैं तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है उनके पीछे या तो फिर .com नहीं होगा, NIC.in होगा या GOV.in होगा। ये चीज आप नोट कर लें गवर्नमेंट की वेबसाइट में। और किसी भी वेबसाइट में अपना पर्सनल डेटा तो आपको बिल्कुल नहीं देना है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना ATM की डिटेल, OTP वगैरह कुछ नहीं देना है आपको पर्सनल वेबसाइट से। अगर आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आप चेक कर लें गवर्नमेंट वेबसाइट है या नहीं। एकदम सही बात है। और आप कोशिश करिए परचेजिंग में भी कि जब आपको लिया के प्रोडक्ट वो वहीं आपसे ATM से भी लेने को पैसा तैयार है या कैश लेने को तैयार है, तो आप जो नहीं वेबसाइट ऑथेंटिक है उन पर मत जाइए। जितने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जो बगैर ऑथेंटिक घूमते रहते हैं वेबसाइट कि ये इतना सस्ता, आप समझो कस्तूर में बहुत लोगों को देखा बॉस कंपनी का ईयरफोन और वो हेडफोन बहुत महंगे आते हैं, ठीक है, वो उस पे चल रहे होते हैं फर्जी, नाइक के जूते फर्जी, सब कॉपीज हैं ये, थर्ड कॉपी सेकंड कॉपी, और ये चल रहे हैं, आप सोचो इनके ऊपर चल रहे हैं, ये उनका काम नहीं है, फेसबुक उनका तो बिजनेस है, ये चल रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये ऑथेंटिक नहीं है, इसके आगे ब्लू टिक नहीं लगा, नहीं लें। अब आप मंगा रहे हो, वो आ रहा है हॉलैंड से लिख के उस पे, और वो भेज रहा है बूट का, और मंगाया था आपने बॉस का, अब आप किसको वापस करोगे। तो बॉस का आ रहा है 40,000 का डिस्काउंट पे, वो दे रहे हैं 4,000 का और भेज दे रहे हैं बूट का। कई लोग हमसे शिकायत किए, तो भैया पहले ये बताओ मुझे 40,000 का प्रोडक्ट 4,000 में कैसे आ सकता है, ये समझा दे कोई मुझे। तो वही है, आप डुप्लीकेट ठग रहे हैं, आप उनको ठगने जा रहे हैं, ठग जा रहे हैं आप। आजकल सर व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज जो है वायरल होते हैं कि इस लिंक को 5 ग्रुपों में शेयर कीजिए, आपके मोबाइल में रिचार्ज हो जाएगा, इस जो है जियो ने आपको फ्री में रिचार्ज दिया है, अमेजन से आपने मोबाइल जीता है, इसको 5 जगह शेयर कीजिए, वो सब क्या है सर? ये सब मैनुअल के जमाने से चला आ रहा है। मैं देखो तुम्हें फ्लैश बैक में ले जाता हूँ। बचपने में मुझे एक आदमी ने पर्चा दे दिया, मैं क्लास 5 या 6 में रहा होगा, उस पर लिखा था इसको पढ़ने के बाद अगर 100 प्रिंट करा के अगर नहीं बटवाए, उसमें प्रिंटर का नाम भी लिखा था नीचे प्रेस का, तो आप मर जाओगे, आपके घर में कोई मर जाएगा, आदमी डर के हाय भगवान मैं मर जाऊंगा, चलो 100 छपवाओ बांटो, समझ गए ना। होता था कि नहीं होता था? ये उसी का मॉडर्न रूप है मेरे भाई जी। और सर ये जो वेबसाइट में लिंक दिए रहते हैं वो जाकर क्या blogspark.com या ऐसी कोई लिंक amazon.blogspark.com हो जाएगा, amazon.in नहीं होगा उसमें, तो वेबसाइट की लिंक चेंज रहती है। आप लोग अगर चाहें सावधानी रखें तो खुद ही पकड़ सकते हैं कि ये मैसेज फर्जी है, इसमें वेबसाइट जो दी गई है वो गलत है। बहुत टफ है पकड़ना, पहले समझो, बगैर एक्सपर्ट के नहीं पकड़ पाएगा। फेसबुक से जो जितने आ रहे हैं अभी जो मैं बता रहा था ना, उनमें सारा नाम एक एक चीज फेसबुक की कॉपी है, बस कहीं डॉट कॉमा उसका अंतर है। अब इतना बहुत छोटा सा वही सर, टाटा नमक का टाटी नमक बन जाता है भारत में, टीटा नमक बन जाता है, तो वेबसाइट भी इसका है कि फर्जी जो है बन रही है।
फेसबुक में जो है ई गायब कर देंगे या फेसी बुक कर देंगे, मिलता जुलता बना देंगे बुक में, हाँ बुक में एक और ओ लगा देंगे। आप ये चीजें जो है उसके पीछे मैं एक मजेदार किस्सा बताऊं। मेरे स्कूल के सामने एक मिस्त्री थे, उनके 7-8 लड़के थे, अब्दुल्ले चचा, वो उनके कोई लड़के नहीं पढ़े थे। जब फिल्म नई लगती थी, पोस्टर चिपकता था, तो वो तुरंत बता देता कि फलानी फिल्म लग गई। तो मैं पूछता था कैसे बता दिया, तो कहता था देखो शोले फिल्म में ना ऐसे लिखा गया है, आधा लाल है आधा पीला है, बीच में ऐसे ऐसे, उसमें लिखने में दीवारें ऐसी कटी कटी हुई है। पानी भेज दो, तो वो वही तरीका है ये भी जी। अविनाश सिंह सिंबल जी पूछते हैं, आजकल हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक फोटो डालकर उल्टा सीधा लिखकर पोस्ट किया जाता है, साथ ही हमारे देश के नेता अभिनेता जो कि बिना किसी चीज की सच्चाई जाने उन सब पर उल्टा सीधा पोस्ट करके शेयर करते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं। क्या इन सब को माफी मांग लेने तक की ही सजा पर्याप्त है या हमें इस पर कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है? देखिए उदाहरण तो कठोर होता है तभी लोग सबक लेते हैं। अब अपने यहाँ थोड़ी चीजें लिबरल हैं, और वो मैं पहले ही शुरू के सेशन में कह चुका हूँ कि कभी भी किसी की पोस्ट को आप शेयर नहीं करें जब तक आप प्रमाणित नहीं हो जाएं। मैंने एक गलती की, एक बार सिर्फ एक गलती बता रहा हूँ अभी, कि एक मेरे भैया हैं वो ब्रांडिंग करते रहते हैं, उन्होंने एक भेजा तो मुझे बड़ा सेंसुअल टाइप का लगा, वो मैंने शेयर कर दिया। तो फिर मुझे एक दोस्त ने भेजा कि भाई साहब ये ना डॉक्टर मरा है ना ये वहाँ का डॉक्टर है, ये फर्जी है, ये देखिए पढ़िए ये है वो। तो फिर मैंने वो पोस्ट हटाई, उन्होंने भी डिलीट की। तो भैया अपने अपने एजेंडे चला रहे हैं, अपनी अपनी लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं, सब फर्जीफिकेशन है। तो बगैर उसके जाँच के ना करें, लोग अभी भी कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। अब इसमें कुछ कड़क कानून बन जाएगा, कार्रवाई लोगों में हो जाएगी तो मानेंगे। फिर बहुत लोगों को देखा मैंने डिलीट करके भाग जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर गलत दुर्भावना है ना, उन्हें लगा कि अरे ये तो हमारा वाला टाइप को मिल गया, हम सामने वाले को डाउन कर लें, तभी तो शेयर करते हैं ना, क्यों करते हैं आखिर। तो अगर कोई आपत्तिजनक आपको पोस्ट दिखती है फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको आप आगे फॉरवर्ड या शेयर ना करें, नहीं तो उसके लिए जब कार्यवाही होगी तो आपके ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है। पोस्ट डालने वाले के ऊपर तो होगी, आपके ऊपर भी होगी अगर वो किसी की भावनाओं को आहत करती है। मैं तो उदाहरण से समझाता हूँ कि आप पढ़े लिखे मूर्ख हो, जैसे जैसे कोई एक जाहिल आदमी को और एक समझदार इंसान को मैं कहूँ, मैं जाहिल से कहूँ कि जाओ कस्तूर को चांटा मार के आओ, मगर सोचे जाएगा एक भाड़ से देगा, और चालाक आदमी से कहेंगे तो 20 बार सोचेगा अरे यार सीओ साहब क्यों पिटवा रहे हैं, इनका क्या फायदा है इसमें, मैं क्यों पीट दूं, खुद क्यों नहीं पीट रहे, इतना सोचेगा समझदार आदमी। ये वही है पढ़े लिखे जाहिल के, देखे नहीं अरे हमारी पार्टी का है उस पार्टी के खिलाफ मिल गया, इस धर्म का है उस धर्म के खिलाफ मिल गया, तुरंत शेयर कर दिए। ये सब वो लोग हैं समाज में विकृति फैला रहे हैं, खुद विकृत हैं। मैं तो इनको यही कहूंगा भैया ऐसा ना करो, जियो और जीने दो, सही चीजों पर चलो। जो भी कोई आपत्तिजनक फोटो पोस्ट या किसी धर्म के खिलाफ जो उस धर्म की भावनाओं को आहत करती है ऐसी पोस्टें डालता है तो वो आईपीसी में दंडनीय अपराध होने के साथ ही आईटी एक्ट में भी दंडनीय अपराध है। तो कृपया ऐसा ना करें, कानून बना हुआ है, ये अलग है कि कानून के पालन करने में थोड़ा कठिनाई होती है, जो प्रक्रिया है हमारे देश में वो बहुत लंबी है, लेकिन सजा लास्ट में सबको मिलती है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो चाहे अकील अहमद हो। कस्तूर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो लोगों को लगता है ना कि छणक में जमानत मिल जाती है 2-4-5 दिन में, फिर जो आप कोर्ट कचहरी दौड़ना शुरू करते हो ना जब ट्रायल शुरू होता है, तब समझ में आता है लोगों को कि हमने क्या गलती करी है। तो बेवजह किसी के उसमें आके छणक उत्तेजना या किसी के, फेसबुक ने सबसे पहले एक ऐसे उंगली बना के एक वो शुरू किया था पोक, जैसे कोई अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं देख रहा है तो उसे पोक करते रहो, तो जब आप पोक करोगे किसी को ना तो फिर वो पोक ही कर देगा, लिखवा देगा एफआईआर, आप चले जाओगे जेल। तो ऐसा ना करो कि किसी को गलत चीजें पोक करो।
आशीष राज पूछ रहे हैं सर, साइबर क्राइम्स के रूल रेगुलेशन को लोग फॉलो क्यों नहीं करते हैं? तो इसका जवाब हम लोग क्या दें, आप भी आम जनता हैं, आप ही बताइए कि क्यों नहीं फॉलो करते हैं आप लोग। हम लोग तो आपको एडवाइस दे रहे हैं कि ये करना है ये नहीं करना है। सर ने भी जो है कई बातें बताई कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, कुछ जो है करने वाली चीजें हैं, कुछ जो है टालने वाली, डू एंड डोंट। अच्छा कभी कभार मजा आता है कस्तूर भाई, एक मैं बताऊं, एक मेरे दोस्त ने फोन किया कि मेरे किराएदार का 3 अकाउंट से 3 लाख चला गया, ठीक। अब शाम को 7 बजे मेरे भाई कौन सी बैंक चल रही है, और उस अंकल को बुढ़िया रोक रही है कि मत दो, तो अंकल कह रहे हैं बेटी लड़की बेचारी उधर से पूछ रही है कि लाओ अंकल तुम्हारे खाते से क्यों कर दे, अंकल दे तक दिए पड़े 3 अकाउंट से 3 लाख साफ करा दिए। मैंने तीनों को रुकवा दिए, लेकिन वो लोग एक उनकी पूरी टीम है, गैंग है, एडवांस है, उधर ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, अंकल का पैसा कट रहा है, उधर कैंसिल कर रहे हैं, दूसरे अकाउंट में लगा रहे हैं, और वो अकाउंट फर्जी है, तुरंत विड्रॉ कर लिए जा रहे हैं पैसे। तो आप जब तक पकड़ोगे तो वही फिर वही निकलता है लास्ट में, वही एटीएम में उसका ओरिजिनल फोटो मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो कृपया करके ऐसी अनयूजुअल चीजें होती हैं इनको 20 बार सोचिए, करने से पहले 20 बार सोचिए। सर व्हाट्सएप या फेसबुक या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर आई हुई पोस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है? देखिए अभी तो बहुत सारे आप देखते हो ना न्यूज, हर न्यूज चैनल आज फैक्ट चेक चला रहा है कि नहीं चला रहा है? जी सर चला रहा है। एक जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुर्खियां चलाता था कि आज के अखबार में क्या निकला, तब ये था नहीं सोशल साइट, अब उससे आगे सोशल साइट निकल गया, हर दूसरे के फोन में कैमरा है, हर दूसरा पत्रकार है, हैं, हर दूसरा दिल्ली वाला है, हर दूसरे की बना के बहुत सारे इंडिविजुअल जो है फैक्ट चेकर हैं, वाला है, सुनो, हर दूसरा दिल्ली वाला है, अपनी गलत को दूसरे को डालेगा बताएगा, ठीक है, और अपने तरीके से कराना चाहता है। मतलब कि अगर कोई पुलिस भी जांच कर रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ दिन भर झेलता हूँ, वो सही चीज को नहीं करने देगा, उसके अगेंस्ट डालेगा, अरे पुलिस उधर से मिल गई ये कर रही है, अरे पुलिस मिल गई वो कर रही है, इतना अधूरा सच, अपनी बात अपनी चीज चलवाने का प्रयास करते हैं, यही सब चीजें बहुत गलत हैं सोशल आज की सोशल साइट में। अजय कुशवाहा सर का एक और जो है क्वेश्चन है कि इस समय जो डार्क वेव है तो उसका यूआरएल कैसे पकड़ा जा सकता है, टॉर ब्राउजर डार्क वेव का एक ब्राउजर है उसका कैसे पकड़ा जा सकता है, फेक यूजर है उनका ना? नहीं सर, डार्क वेव जो है, नहीं नहीं समझ पाए क्या कहा, एक तो इस समय जो है भोग आए हैं वो केवल 10% है इंटरनेट की, 90% डार्क वेव में, फिर आवाज नहीं आई, टॉर ब्राउजर यूज होता है। नहीं वो देखो हर हेलो आवाज आ रही है, हर किसी का नेट यूज करने वाले का एक एंड पॉइंट है, तो आईपी एड्रेस से वो आदमी ट्रेस हो सकता है, अंत में फिर एक वही बात आती है उसमें, अगर वो फेक फोन यूज कर रहा है, फेक नंबर यूज कर रहा है, तो आप पकड़ोगे किसको, उसको जिसके नाम से वो सिम इश्यू हुआ है, और वो बंदा जिसने सिम दिया है, या वो फोन जिसका चोरी हुआ है, बस वो आदमी नहीं मिलेगा फिर। तो सबका होल थिंग है अभी फोन का नंबर ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है, प्रमाणित होना बहुत जरूरी है कि किसका है ये, और जिसने लिया उसी का है ये होना बहुत जरूरी है। अगर फोन वेरिफिकेशन आज हो जाए तो साइबर क्राइम घट के आप समझ लो, हम शून्य नहीं कहेंगे लेकिन 2% हो जाएंगे, जो बेवकूफ़ टाइप के होंगे, जो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना हो चाहेंगे वही आएंगे सामने, बाकी जो अभी कर रहे हैं क्राइम, इस टाइप के क्राइम अपने आप बंद हो जाएंगे।
कस्तुब गायब हो गया, मैं भी गायब होने वाला हूँ। अगर मेरा वीडियो जा रहा है तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, कुछ जो है नेटवर्क इशू के कारण जो है सारे अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनको जो है हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे जो है काफी सवाल जवाब आज के जो सेशन में, और बहुत अच्छा सवाल जवाब जो है हुए हैं। मुझे लग रहा है सभी लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक और जो है मुझे आप लोगों को सलाह देनी थी कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले उसको वेरीफाई कर लें कि वो एप्लीकेशन किसने बनाया है, कहाँ बनाया है और किस उद्देश्य के साथ बनाया हुआ है। क्योंकि जब आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसको ढेर सारी आप परमिशंस देते हैं। वो आपके कैमरा में एंटर कर सकता है, वो आपकी गैलरी में एंटर कर सकता है, आपकी फोन बुक में एंटर कर सकता है, आपके मैसेज पढ़ सकता है, आपके कॉल लॉग को देख सकता है। एवन ट्रूकॉलर जो आपने मतलब की इंस्टॉल किया होगा ज्यादातर लोगों ने, वो भी आपके मैसेज और कॉल को पढ़ सकता है, आपकी कॉल को सुन सकता है। सोचिए अगर ट्रू कॉलर का कोई कर्मचारी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाए तो आपका पूरा डेटा तो उसके पास है ही, आपके एटीएम कार्ड की जानकारी है, आपका ओटीपी जैसे आएगा वो पढ़ लेगा, सारी जानकारी उनको आप मुफ्त में दे रहे हैं। तो इस चीज से बचिए कि कोई भी फालतू का बिना गैर जरूरी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें।
अगर आप कोई गेम गेमिंग ऐप डाउनलोड करते हैं, उसको क्या हो सकता है आपकी गैलरी की परमिशन की, आपके फोन बुक की परमिशन की, आपके मोबाइल के एसएमएस पढ़ने के परमिशन की आवश्यकता उसको क्यों है? तो बहुत सारे सवाल हैं। अमेरिका में इस पे कानून भी है, ब्रिटेन में भी है, लेकिन भारत में अभी बहुत ज्यादा साइबर सिक्योरिटी के प्रति यहाँ अवेयरनेस है, यहाँ बहुत ज्यादा कानून है। बिना वजह किसी भी एप्लीकेशन को परमिशन ना दें, परमिशन ब्लॉक करें, अपनी सेटिंग में जाके, ऐप में जाके परमिशन में जाएं और वहां पे देखें कि किस ऐप को आपने क्या क्या परमिशन दी हुई है। आप देखते होंगे कि बहुत सारी जो है फोन वेबसाइटें हैं उनमें जो है डेटा लीक हो जाता है लोगों का। एक तो पहला ऐसे लोग आते हैं जो कि वीडियो बनाते हैं, पूछते हैं जिससे मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, वो थोड़ा अलग टाइप का है, बाकी से अलग है, दुनिया से अलग है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा। लोग बाग न्यूज कॉल करते हैं, लोग बाग जो है न्यूज वीडियो भेजते हैं, न्यूज फोटो भेजते हैं, चलिए ठीक है वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बीच में आपके फोन में भी अगर आपकी न्यूज फोटो या न्यूज वीडियो है तो उसके भी लीक होने की पूरी संभावना है। मान लीजिए आपका फोन खराब हो गया, आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, क्या वो आपकी गैलरी में इंटर करके आपका डेटा लीक नहीं कर सकता? आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं, क्या वो आपका डेटा लीक नहीं कर सकते? तो इन सब चीजों से बचिए। फोन जो है प्राइवेट चीज होती है, इसको किसी को मत दीजिए, और दूसरा चाहे जितना प्राइवेट चीज हो इसमें प्राइवेट चीजें रखिए मत, ठीक है? तो कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको इफेक्ट कर सकती है उसको मोबाइल या लैपटॉप में आपको नहीं रखना है, क्योंकि ये डिजिटल युग है। एक लैपटॉप में बैठ के आप दूसरे लैपटॉप को जो है चला सकते हैं। जी सर, आपने सही कहा कि अब तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो बिना परमिशन के आप इस्तेमाल कर ले, तो आपको मोबाइल में अपनी कोई भी प्राइवेट चीज नहीं रखनी है। और आपको अगर रखने का शौक है तो ऐसे मोबाइल में रखिए जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कनेक्टिविटी ना हो। हम सर को फिर से जो है लाइव लाने की कोशिश कर रहे हैं, सर को मैंने जो है लिंक भेजा हुआ है, ताकि जुड़ जाएं सर। बीच बीच में कई लोग जो है कॉल कर दे रहे हैं, उसकी वजह से ये डिस्टरबेंस हो रहा है, जबकि मैंने अपना एक नंबर स्विच ऑफ किया हुआ है, लेकिन फिर भी बार बार कॉल आ जा रही है। आप लोगों के कोई सवाल हो तो मैं भी आप लोगों के जवाब दे सकता हूं। हाँ, जो अजय कुशवाहा सर का सवाल था कि टॉर वेबसाइट है, टॉर ब्राउजर है, डार्क वेब है, उसकी कोई लिंक जो है हम कैसे क्रैक करें, तो इन चीजों को तो अभी FBI वगैरह जो वर्ग की बहुत अच्छी एजेंसीज मानी जाती है वो भी डार्क वेब को पूरी तरह से खंगाल नहीं पाती है। तो सबसे बढ़िया जो है आपके पास प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ये कहा जाता है, तो आपको प्रिकॉशन ही लेना है। डार्क वेब का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें, कोई भी व्यक्ति डार्क वेब का इस्तेमाल ना करें, वहां पे आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपका पूरा डेटा उनके पास चला जाएगा। जैसे ही आप टॉर ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं तो आपका पूरा डेटा उनके पास चला जाता है, आपके ATM कार्ड की डिटेल से लेके आपका पर्सनल, आपकी लोकेशन, आपका एड्रेस, सब कुछ उनके पास है। तो डार्क वेब का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। किसी भी वेबसाइट पे विजिट करने से पहले देख लें कि वो वेबसाइट सिक्योर तो है, HTTPS लगा हुआ है कि नहीं। HTTPS
देख लीजिए ये चीज गवर्नमेंट व्यवसायिक है तो व्यवसायिक के लास्ट में जीओवी डॉट इन होगा या एनआईसी डॉट इन होगा, सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट पे अपना डेटा दे, अन्य किसी वेबसाइट पे ना दे आप लोग। अजय सिंह सर ने बोला है कि आजकल नए तरीके का फ्रॉड हो रहा है, अचानक एक कॉल दिल्ली पुलिस से मेरे पास आई और दिल्ली पुलिस के थाने का इंस्पेक्टर बनकर कहा गया कि आपके विरुद्ध एक सम्मन आया है जिसके लिए आपके पते को वेरीफाई करने के लिए मैंने फोन किया है। बाद में सर ने एफआईआर भी की लेकिन कुछ जो है कार्रवाई नहीं हुई। तो बहुत सारे लोग आपके पास फर्जी वकील बनके, फर्जी पुलिस वाले बनके कॉल कर सकते हैं कि आपके खिलाफ यहाँ मुकदमा हुआ है, ये चलान का अमाउंट है, ये आप जमा कीजिए, आपके खिलाफ यहाँ पे मुकदमा होने जा रहा है, मैं वकील हूँ, आप जो है ये अमाउंट अगर जमा कर गए तो आपका समझौता हो जाएगा। बहुत सारे लोग कुछ भी बनके कॉल कर देते हैं, तो ऐसी जो है फ्रॉड लोगों से सावधान रहिए। ठीक, चलान अगर कोई हुआ है आपका तो आपके एड्रेस में आएगा, उसको वेरीफाई कीजिए फिर जमा कीजिए। लोग बात पुलिस वाले बन के भी कॉल कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है सर अभी जुड़ नहीं पाएंगे, उनको भी जो है जरूरी काम होते हैं। तो आज का लाइव सेशन जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों के कुछ सवाल हो तो 5 मिनट में मैं और आपके सवाल ले सकता हूँ। कोशिश करेंगे कि सर को जो है दोबारा लाइव लाएं हम फिर कभी, लेकिन आज का सेशन बहुत बेहतरीन रहा, उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर किसी के सवाल हो तो 5 मिनट है, आप लोग पूछ लें। नित्यानंद त्रिपाठी सर ने बोला है फ्रॉड करने वाले व्यक्ति पर कानून अलग से बने, जो सजा हो वह कड़ी से कड़ी सजा हो, क्या यह संभव हो सकता है, सरकार इस पर विचार करे। देखिए कानून बनाना हमारा काम नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना ही हमारा काम है, कानून बनाना सरकार का काम है, संसद का काम है, ये उन पर छोड़ दिया जाए। सरकार से आप लोग मांग कीजिए कि जो है साइबर फ्रॉड पर कड़े कानून लाए जाए। और देखिए फ्रॉड चाहे 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का, फ्रॉड होता है। आप जो है 1 रुपए का फ्रॉड एफआईआर दर्ज करवाना आपका अधिकार है, आप थाने में जाइए एफआईआर दर्ज करवाइए। आज के सेशन में जुड़े सभी लोगों को मेरी तरफ से आभार, खास तौर पर हमारे अनिरुद्ध सिंह सर जो अपने कीमती समय से वक्त निकाल कर हमको अपना वक्त दिए हैं, उनका विशेष तौर पर धन्यवाद। सर जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जो है काफी फेमस रहे हैं, इस समय जो है वर्तमान में डीएसपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, साथ ही कई जो है इन्होंने वेब सीरीज में कई फिल्मों में अभिनेता के तौर पर काम किया है। इस समय कई जो है साइबर अपराधों को सुलझाने में सर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और आपको ये जान के गर्व होगा कि सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही पूर्व छात्र हैं और हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के सम्मानीय सदस्य हैं। तो दोबारा जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जब भी आप लोग निवेदन करेंगे किसी और विषय पर सर को लाइव लाएंगे, या आप चाहते हैं कि किसी स्पेशल टॉपिक पे को लाया जाए तो आप जो है मुझे सूचित कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लें, 9455222921। फिर से मैं बोल दिए कह रहा हूँ 9455222921। आप सभी लोगों का धन्यवाद।